आइए श्रोताओं, आपके सामने एक बढ़िया सुंदर बात, महाभारत के अज्ञातवास से ली गई बात है। बात उस टाइम की है जब बार बार वो कीचक उस पांचाली को, उस शैलेंद्री को, उस कृष्णा कुमारी को तंग करता है अपने पतियों से शिकायत करने के लिए। पहले अर्जुन जो गांडीव धनुष को उठाने वाला आज विराट नगर में एक ब्रह्मला नाम से नित्य गान सिखला रहा है, और जाकर के पंचाली वो कृष्णा कुमारी अपने पति अर्जुन से कहने लग जाती है, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रापण को, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रापण को, डूब के मर जाओ, नहीं तो तुम मर्द रहे और नहीं औरत रहे, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रापण को। और एक बात के द्वारा उस गांडीव धनुष को उठाने वाले अर्जुन वीर धनंजय से वो पांचाली किस प्रकार कह रही है, सुनेंगे इस बात सारा हवाला इस बात के द्वारा। आइए सुनाते हैं, आपके सामने आ रहे हैं आवाना साहब डिबाबा सिंह वाले लेकर आ रहे हैं, आइए सुनेंगे इसकी बात के द्वारा। द्रौपदी दर दर दखा खाती, वो थे कुछ तो करो विचार, डूब के मर जाइए, की तक की बन जाऊं नार, डूब के मर जाइए। शासन मेरो तारो चीर अन्यायी, ओ पांचों भाई बैठा रहे थे नीची नाड़ी झुकाई, अरे मेरी साड़ी लीनी तार, डूब के मर जाइए, की तक की बन जाऊं नार, डूब के मर जाइए।
नाथ नगर में कीचक ने मेर मारी लात कमर में, अरे अटकी नैया पार करो नहीं डूबे बीच भंवर में, अरे थम हो बैठा रे लाचार डूब के मर जाइए की चक की बन जाऊं नार डूब के मर जाइए। चंद भी शर्मावे देख देख थारा कर्मा ने, अरे थारे आगे इज्जत तार कसर नहीं बे शर्मा में, अरे कड़ी रे बना दी चार डूब के मर जाइए की चक की बन जाऊं नार डूब के मर जाइए।